गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स तो आज आपके सामने जो हमने एक वीडियो लेके आए हैं उसका नाम है और हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझसे कि ये शुरू कीजिए तो मैंने शुरू कर दिया है इसको आज तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में जो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये डायग्राम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है एक्चुअली और थोड़ा सा एक्चुअली इनकम्प्लीट कहूँगा मैं इस डायग्राम को कि ये इनकम्प्लीट है क्योंकि तो प्रेजेंटेशन ही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी चीज को दिखाने का तो ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी में है, जो हम डायग्राम पढ़ते हैं बेसिकली सर इसमें हम यहां देखते हैं कि फॉरन डी हमने यहाँ पे लिया है जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकम्बिन इन डी एन टेक्नोलॉजी में हम जिससे हम अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं सपोज ये इंसुलिन जीन है तो इससे हम इंसुलिन हार्मोन बनाना चाहते हैं या फिर ये ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जीन है कोई भी जीन है तो इसको हम क्लोनिक वैक्टर साथ जोड़ते हैं तो क्लोनिंग वेक्टर हमें पता है प्लाज्मा हम यूज करते हैं जो कि मोस्टली बैक्टीरिया में मिलता है और फॉरन डीएनए सपोज कीजिए अगर हमारी बॉडी से निकालना है तो इसे हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा हमारी अपनी बॉडी की सेल से तो सबसे पहले हमें इन डीएनए को चाहे वो क्लोनी वैक्टर हो चाहे आपका वो फॉरन डीएनए हो उसे अपने सेल से निकालना पड़ेगा तो सेल से अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हमारा जो पहला स्टेप होना चाहिए यहाँ पर वो होना चाहिए आइसोलेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए या इसको आप सिंपली डीएनए आइसोलेशन भी कह सकते हैं डीएनए आइसोलेशन और डीएनए एक्सट्रैक्शन इसको हम बोल सकते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन ये हमारा पहला स्टेप होता है फिर उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे क्या करते हैं

टाइप वन और टाइप थ्री नहीं ऐसा करते हैं इसलिए टाइप वन और टाइप थ्री यूज नहीं होते हैं टाइप टू रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी और हम वो वाला लेते हैं ये टाइप टू भी हम वो वाला लेते हैं जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है उसको मोस्टली हम अवॉइड करते हैं स्टिकी एंड वाले टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंड को हम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं मोस्टली क्योंकि उसके एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट होते हैं तो जब रिस्ट्रिक्शन एंडोनिक्लिस कट करेगा हमारे दोनों डीएनए को तो सेम तरह के तो मतलब एंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो बट बिफोर किया और वो तो के बनते हैं। कुछ लार्ज होते हैं और कुछ फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं स्मॉल तो उसके बाद हम होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोनिक्लियस का एक्शन वो कट करेगा डीएनए को तो उसके बाद फ्रेगमेंट जनरेट होंगे तो फ्रेगमेंट जनरेट होने के बाद तीसरा स्टेप हमारा जो होगा ये तीसरा स्टेप हमारा होगा एग्रोजेल तो हमें क्लियरिटी आती है कि हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना क्या इस डायग्राम को ही हम पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में इस डायग्राम की ही हम स्टडी करते हैं तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरोसिस हमारा तीसरा स्टेप होता है यहाँ पर जबकि चौथा स्टेप हमारा क्या होगा जो हम डीएनए को सेपरेट करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो लार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट है और जो स्मॉल डीएनए के फ्रेगमेंट है वो आगे की तरफ चले जाते हैं उसके बाद हम ब्लॉटिंग करते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा उस डीएनए को हम वहां से अलग करते हैं ब्लॉटिंग हमने मोस्टली डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पढ़ी है अब ऐसे ब्लॉटिंग की अगर हम बात करें तो ब्लॉटिंग हम चार तरह की पढ़ाएंगे आपको डीएनए टेक्नोलॉजी में हम चार तरह की पढ़ाते हैं अपने अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम पढ़ाते हैं ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग चार तरह की तो ईस्टर्न है और जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं और तो डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का लिंक भी दिया होता है और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन कोर्स ईस्टर्न ब्लॉटिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग और देन उसके बाद हमारा आता है ब्लॉटिंग तो कुल मिलाकर हमारा जो ब्लॉटिंग है वो चार तरह का होता है ईस्टर्न ब्लॉटिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग तो साउदिंग ब्लॉटिंग हमारा यहाँ पर डीएनए के लिए किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट को एग्रोजेल इलेक्ट्रोप्रोसे से सेपरेट करने के लिए किया जाता है तो को भी हमने पढ़ना है अच्छे से तुम्हारा फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए हमारा तो जैसे को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, है. का, 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 है. सीजर बोलते हैं डीएनए के अंदर ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करता है बॉन्ड जिसको बोलते हैं तो उसी बॉन्ड को तोड़ जोड़ता कौन है डीएनए लाइगेस तो डीएनए लाइगेस हमारा जोड़ेगा किसको इस बॉन्ड को और रिकम डीएनए बन जाता है ये हमारा डीएनए ये फॉरन डी एन ए हमारा जो था ये यहाँ पे जाके जुड़ गया तो ये डीएनए या प्लाजमेट आप इसको बोल सकते हैं और इसको हम रिकमिन डीएनए को हम एक और वर्ड भी हमारे पास यूज होता है काइमेरा डीएनए भी बोलते हैं इसको जी हाँ काइमेरा डीएनए तो ये हमारा जो डीएनए लाइगेज है इसको हम क्या बोलते हैं जैसे कि हम यहाँ पे अलग से आपको मेंशन कर देते हैं डीएनए और आप ये सभी अपने के अंदर और में पढ़ भी रहे होंगे कैसे होने चाहिए तो मोलिकुलर ग्लू हम इसको कहते हैं और हमारा यहाँ पे बन गया फॉर्मेशन ऑफ देन ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग मैथड होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा जब हम इस रिकमीनी डीएनए को अपने होस्ट सेल के अंदर डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और अगर हम यू सेल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम ट्रांसफेक्शन बोलते हैं मोस्टली खैर वो एक आगे चल के हम इसको क्लेरिफाई करेंगे देन उसके बाद हमारा जो जीन है वो जैसे जैसे अभी प्लाज्मा हमारा डीएनए अंदर गया है तो ये uh, क्लोनिंग करेगा और क्लोनिंग करने के साथ साथ आपका ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी क्लोनिंग करेगा तो इस स्टेप को हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग जितनी बार ये क्लोनिंग करेगा उतनी बार आप उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा और इन बैक्टीरिया को हम बायो रिएक्टर के अंदर ग्रो करते हैं के बाद फिर हम नाइन्थ स्टेप हमारा क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इसके बाद हम करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उस प्रोडक्ट को हम निकालेंगे यहाँ से बायो रिएक्टर से जिसमें भी हम उसको ग्रो करेंगे उसके बाद उसकी प्योरिफिकेशन करेंगे डाउन स्ट्रीम एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट्स इट ये आपको मैंने क्लियरिफाई करना था कि हमारे इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये पूरा डायग्राम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे डायग्राम को ही इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं और फिर इसको थॉरली आप, आप, आपको हर एक स्टेप को थॉरली पढ़ना चाहिए डिटेल में जाकर तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेलाइकन जरूर भर और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच